मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए एक कमेटी तैयार की है, जिसमें शामिल पांचों संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। न सिर्फ राज्य मंत्री का दर्जा बल्कि इस पद से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं भी इन संतों को दी जाएंगी। वहीं संत समाज ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने समाज में जन जागृति फैलाने के लिए संतों को कमेटी का सदस्य बनाया है। इन पांचों धार्मिक नेताओं में नर्मदानंद महाराज, हरिहर नंद महाराज, कंप्यूटर बाबा, भैयू महाराज और पंडित योगेंद्र महंत शामिल हैं। वहीं सरकार के इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष इसे इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान के इस कदम को एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिन पांच बाबाओं को शिवराज ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उनमें से दो शिवराज सरकार पर नर्मदा घोटाले का आरोप लगा यात्रा निकाल रहे थे। ऐसे में शिवराज का ये फैसला चौंकाने वाला भी है। खबर है अपनी नर्मदा यात्रा समाप्त करने के करीब पहुंच चुके दिग्विजय सिंह को इसका राजनीतिक फायदा उठाने से पहले शिवराज ने सदी हुई चाल चल दी है। संत समाज को साधने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचाती है, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। मुझे बड़ा ताजुब हो रहा कि दो दिन पहले एक बाबा बड़ा पोस्टर छपवा रहे थे और 1 अप्रैल से 15 मई तक नर्मदा घोटाला पौधा घोटाला का रथ लेकर पोल खोलकर निकलने वाले थे और राज्य मंत्री बन गए। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में पांच संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के बाद देश में सियासत गर्मा गई है। इस पर राजनीति लाजमी भी है, क्योंकि इन संतों में दो ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ घोटाला रथ यात्रा निकाल रहे थे, अब अचानक सरकार का हिस्सा बन जाए तो सवाल उठता ही है। विपक्ष से शिवराज सरकार की हिंदू वोटों को बटोरने की कवायद के तौर पर देख रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इस बड़े बदलाव के क्या मायने हैं, इसे हम समझेंगे अपने मेहमानों से। इससे पहले कि इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें, अपने उन मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब, बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। हमारे साथ में है आशीष दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में है मनोज मिश्रा साहब, कांग्रेस नेता, मनोज जी बहुत स्वागत। और विकास बोंदरिया, बीजेपी नेता, विकास जी आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले विकास आपके पास ही आएंगे। जिस तरह से पांच बाबाओं को, संतों को मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, उनमें से दो ऐसे मंत्री थे घोटाला रथ यात्रा निकाल रहे थे, अब मंत्री बन गए, आखिर क्या ऐसी वजह रही? कहीं ना कहीं जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि नाकामी छुपाने के चलते इन बाबाओं को मंत्री बनाया गया है, मतलब विपक्ष बाबाओं की नेकनीयति पे तोहमत लगा रहा है? नहीं, आप पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि दो जिस तरह से घोटाला रथ यात्रा निकाल रहे थे 1 अप्रैल से 15 मई तक और फिर अचानक राज्य मंत्री बन गए, सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस जंग की कोई छदम काम नहीं करती है जी। बड़ी स्पष्टता से मैं कहूंगा, नर्मदा सेवा मिशन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम शुरू से साधु संत समाज का सहयोग लेते आए हैं। नर्मदा सेवा यात्रा में लिया, उन्हीं की अगुवाई में ये यात्रा चली, इसके बाद भी निरंतर ले रहे थे। अगर साधु संत समाज के लोग आके इस कार्यक्रम को बलवती बनाने में, जन प्रेरक बनाने में, लोगों के को भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से जोड़ के नर्मदा के संवर्धन में सहायता करते हैं, तो मुझे लगता है कि विकास जी वो आए नहीं है, वो आए नहीं, वो लाए गए हैं। लाए गए और आए गए क्या होता है जी, बहुत अंतर है। देखिए, बड़ी स्पष्टता, बड़ी स्पष्टता। नर्मदा सेवा मिशन में एनवायरमेंटलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी देने वाले भी जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स भी जुड़े हुए हैं, वृक्षारोपण की टीमें भी अलग अलग दर्जे के लोग जुड़े हुए हैं। साधु संत समाज का भी अपना महत्व है, क्योंकि नर्मदा एक आध्यात्मिक
हमारी धारा है वहां पे हमने अनुभव किया है कि अगर हमें लोगों के सहयोग को बढ़ाना है तो हमें संत समाज की भी जरूरत है। अगर हमें वो नर्मदा जो कि एक तरह से घर रही है साधु संतों का हमेशा से, जिन्होंने सदियों से उसका संवर्धन किया है नर्मदा का, अन्य नदियों का भी, तो उन लोगों की माकूल सहायता क्यों ना ली जाए। इस सहायता लेने के लिए, सहयोग के लिए जो उन्हें माकूल सुविधाएं देनी पड़ेंगी, संसाधन देने पड़ेंगे, उन्हीं जानते जो आप बातें कह रहे हैं। रमेश सर्वसामाल साथ में वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, जिस तरह से पांच साधु कहें संत कहें उनको जिस तरह से राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, वो जो विकास जी कह रहे थे कि क्यों ना दिया जाए, तो क्या बिना राज्य मंत्री बनाए ये नर्मदा सेवा या नर्मदा संरक्षण नहीं कर सकते थे? किस तरह से जिस तरह से राज्य मंत्री बनाया गया है, क्यों बनाया गया, सबसे पहले सवाल आपसे। हाँ, निश्चित रूप से ये जो पांच लोगों को आज कल मिला है राज्य मंत्री का दर्जा, इसमें चार संत हैं और एक ग्रस्त हैं जो समाज सेवी हैं जी, तो उसमें से दो को पहले से ही सुरक्षा मिली हुई है जो उनके साथ फॉलो गार्ड चलती है, तो इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं। ये वैसे पहला मौका है कि एक साथ इतने संतों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और वो उनको जो दायित्व दिया गया है कि वो नर्मदा की घाटी की यात्रा करने के बाद सरकार को सुझाव देंगे और वो काम करेंगे। इसमें से वाकई आप ये ठीक कर रहे हैं कि दो लोग ऐसे थे जो सरकार के खिलाफ अभियान चलाए हुए थे। कंप्यूटर बाबा जी ने सिंहस्थ में भी सरकार के खिलाफ बहुत अभियान चलाया हुआ था और आगे चल करके फिर परिस्थिति ये बनी कि उन्होंने कहा कि हम सरकार से मिलना चाहते हैं, तो फिर सारे का सारा पूरा संत समाज जो है तीन चार दिन पहले सीएम हाउस पहुंचा, उसमें 20-25 लोग थे और सीएम को दिया, तो सीएम ने उनसे आग्रह किया कि आप जाकर के ऐसा करिएगा और हमको मदद करिएगा ऐसा, तो उस पर वो तैयार हुआ और ये सुविधाएं दी है। तो कहने का अर्थ इसको, ये एक अंदर का घटनाक्रम है, लेकिन इसको हम राजनीतिक दृष्टि से देखे बिना इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से सरकार, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार संत से भी है और संतों का बहुत सम्मान करती है, जगह जगह हमने देखा भी है, लेकिन ये तात्कालिक घटनाक्रम चूंकि ये सरकार के खिलाफ निकालने वाले थे, तो फिर अचानक इन्होंने सरकार से सहयोग का, सरकार ने इनसे सहयोग की बात की, तैयार हो गए, तो इसको हम राजनीतिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, सरकार को लगा होगा कि सरकार ये संत जो है यात्रा निकालेंगे, न्यू सेंस क्रिएट होगा, तो उन्होंने संतों को एडजस्ट करने के लिए एक ऑफर दिया जिसे संतों ने स्वीकार कर लिया, तो ये वाकई घटनाक्रम एक आश्चर्यजनक तो है राजेश जी। चलिए, जिस तरह से रमेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, हमारे साथ मनोज मिश्रा है कांग्रेस नेता। मनोज जी, जिस तरह से बातें हो रही है, कांग्रेस सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है, जिस तरह से पांच बाबाओं को राजमंत्री बनाया गया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको एक बड़ा रोचक किस्सा है वो सुनाना चाहता हूँ जी, बहुत ही छोटे उसमें सुना देता हूँ कि आज से 600 साल पहले अकबर, जलालुद्दीन अकबर बादशाह होते थे और उनके जमाने में तुलसीदास जी भी होते थे और महाराणा प्रताप भी होते थे, तो तुलसीदास जी ने उस समय रामायण की जन भाषा में अनुवाद करा और उसको रामायण को काफी लोगों में फैलाया और हर जगह जो है रामचरितमानस की व्याख्या होने लगी और लोग सुनने लगे, हिंदू लोग जुड़ने लगे और उसमें सबसे ज्यादा प्रेरणा लेने वाले थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप आपको मालूम है अकबर के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और इस सब के बीच में व्यथित हो गए थे अकबर बादशाह, तो अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को ऑफर दिया कि आप हमारे दरबार में मंसूबदार बन जाइए। मंसूबदार का मतलब उस समय एक राज्य मंत्री का दर्जा होता था जो फतेहपुर सीकरी में आके रहने का और उधर पे सारे राजसी वो ठाट बाट के साथ, तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई में उनको जवाब दिया, उनने बोला कि हम चाकर रघुबीर के, मतलब हम रामचंद्र जी के चाकर नौकर उनके सेवा में, मुझे एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ, तकलीफ क्या है, हम चाकर रघुबीर के जी जी बोलिए बोलिए मनोज जी बोलिए बोलिए देखिए मेरे को एक मिनट खत्म कर लेनी जी 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 बोलिए चाकर रघुबीर के और क्या बोलते हैं हम मनोज जी सीधा सा सवाल है। हाँ जी, कि जिस तरह से शिवराज सरकार ने पांच बाबाजी ने किस तरह से तकलीफ है इसको लेकर, हम चाकर रघुबीर के पटे लिखो दरबार जब अब तुलसी का होए
नर का मंसूबदार मतलब क्या है कि भगवान के वो है पूजा करते हैं, वो नर का क्या पूजा करे, इस तरीके से उन्होंने ठुकरा दिया था। आज के जो संत हैं, एक मिनट मुझे खत्म कर दी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। जी, जी। वो उन्होंने तो नहीं ठुकराया जी, वो तो है, मगर आज के कलयुग के संत भी हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और उनको शिवराज जी ने जगह दे दी है, कोई बात नहीं। अब इस बीच में शिवराज जी कौन से राणा प्रताप से डर गए कि उन्होंने इनको अपने दरबार में मंत्री बना रहे हैं? क्या ये दिग्विजय सिंह से डर गए? तो दिग्विजय सिंह अकेले तो नहीं है, जब पांच तुलसीदास हो सकते हैं तो पांच हमारे नेता ऐसे भी हैं जो पांचों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। शायद ये नर्मदा यात्रा में जो दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा निकाली है उससे डर गए, और ये बौखलाहट है इनकी, और ये तो संत दो संत जैसे। मैं आपके पास दोबारा में आऊंगा। आशीष दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, आशीष जी क्या कहेंगे जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, पांच बाबाओं को राज्यमंत्री बना दिया गया, दूसरी तरफ जिस तरह से तमाम तरह के सवाल मनोज जी जैसे कर रहे थे, कांग्रेस के अन्य नेता ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ये है, और जिस तरह से नर्मदा को लेकर रथ यात्रा निकाली जा रही थी, घोटाला रथ यात्रा निकाली जा रही थी, और तात्कालिक रूप से इस तरफ एक तरफ जिस तरह दलितों का आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं शिवराज जी को लगा कि ये समय में है, ऐसे में कैसे इन चीजों को डैमेज किया जाए और पांच बाबा को राज्यमंत्री बना दिया। आपका रुख। लग रहा है जी कि इस तरह से संतों का उपयोग किया जाएगा जी। और संत इसके लिए ठीक है, सरकार है वो अपनी तरह से करती है, उसको जो उचित लगता है करती है, संत इसके लिए तैयार हुए हैं ये भी थोड़ा आश्चर्यजनक है, उन्होंने जिस तरह से अपना रुख एकदम से बदला है ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, और इसके पीछे जो उद्देश्य छुपा है इसमें राजनीतिक दृष्टि बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बात सही है कि कांग्रेस और जो विपक्षी दल है दूसरे भी, वो नर्मदा को लेकर एक मुद्दा बनाए हुए हैं बहुत लंबे समय से। नर्मदा लंबे समय से अवैध उत्खनन, अतिक्रमण, गंदगी और इस तरह की चीजों को लेकर के चर्चा में है, उसमें कई हाई प्रोफाइल लोग उसमें आरोपों में हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को, शिवराज सिंह चौहान को, उन्हें कहीं 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 यह लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में नर्मदा एक बड़ा मुद्दा बने, क्योंकि वो 120 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है वो नर्मदा बेल्ट। तो इसलिए मुझे ये किया गया है कि साधुओं को, संतों को इसमें उपयोग किया गया है, तो क्या ताकि कांग्रेस से दूसरे लोग जब आरोप लगाए तो साधु संत जो है जिनकी समाज में ज्यादा मान्यता होती है वो ये जब वो इसको विरोध करेंगे या वो एक तरह से इन चीजों को क्लीन चिट देंगे तो वो ज्यादा स्वीकार्य होगी बजाय कि शिवराज सिंह या उनकी टीम उन आरोपों का जवाब दे। तो इसलिए इन संतों को फिलहाल एक जो उपयोग उनका नर्मदा के हित में होगा वो तो ठीक है, अच्छी बात होगी, लेकिन एक दूसरा उपयोग ये भी होगा कि वो इस तरह के पॉलिटिकल जो बवंडर खड़े होंगे उसमें भी एक कहीं ना कहीं ये बात भी लग रही है कि दबाव जिस तरह से बना रहे थे, कंप्यूटर बाबा की बात करें, एक बाबा और साथ में थे, और जिस तरह से मनोज जी ने एक लाइन जोड़ी कि दिग्विजय सिंह की जो नर्मदा यात्रा है वो पूरी हो रही है, तो इस सारे चीजों को मैनेज करने के लिए अचानक आनंद फानंद में राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। बिल्कुल, 31 मार्च को ये चीजें हुई थी साधु संतों से, इन जो जिन्हें दर्जा मिला उनमें से कुछ लोगों से भी मुख्यमंत्री की और दूसरे लोगों की मुलाकातें हुई थी, भूमिका उसी वक्त बन गई थी। 3 तारीख को राज्य मंत्री के इनके आदेश जारी हुए हैं, तो ये ठीक है कि दिग्विजय सिंह की यात्रा चूंकि 9 अप्रैल को खत्म हो रही है और उन्होंने साफ कहा हुआ है कि नर्मदा को लेकर के आगे अपनी बहुत सारी बातें साफ करेंगे, खोलेंगे, तो ये एक बचाव का तरीका तो है ही कि उस तरह से अगर कोई होता है चीजें तो बचाया जाए। जहां तक इन बाबाओं के रूप का सवाल है जो नर्मदा घोटाला यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे और सारी घोषणाएं कर चुके, तो लगातार भाजपा सरकार को निशाने पर ले रहे, उनका जो रुख बदला है इसके पीछे सरकार की कूटनीतिक सफलता तो है कि सरकार ने इस विरोध को रोक लिया, दूसरी तरफ उन्हें अपने साथ कर लिया, तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन वो जो कंप्यूटर बाबा के साथ एक बाबा और है, जयेंद्र या जो बाबा है जी, उनके कोई ट्वीट अगर आप देखें तो वो बड़े अनोखे ट्वीट है, वो ट्वीट कांग्रेस के बहुत करीब है, वो भावांतर योजना से लेकर हर योजना पे भाजपा सरकार की आलोचना करते रहे। तो मैं इसको मानता हूँ कि कूटनीतिक सफलता तो है कि जो उनके विरोधी थे फिलहाल तो भाजपा के साथ हो गए या भाजपा के अभियान के
परोक्ष रूप से साथ हो गए, तो ये स्थितियां हैं और इसका राजनीतिक एक चल निकलेंगे। कुल मिलाकर 50,000 साधु संत है मध्य प्रदेश में और खुद शंकराचार्य जी भी मध्य प्रदेश के ही है, इन पांचों को क्यों चुना? क्या कोई व्यापम के थ्रू इन्होंने बॉन्ड्स निकाली थी? ये क्या सिस्टम क्या था? मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इनमें क्या, पांचों में क्या खूबी थी सिवाय ये खूबी के कि ये सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे? इसके अलावा कोई खूबी थी क्या इनमें? चलिए विकास बता दें क्या खूबी थी इन पांचों में। विकास, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने आप को किसी कार्य के लिए प्रस्तुत करना, समय सहयोग देने के लिए प्रतिबद्धता दिखाना, सबसे बड़ी खूबी ये होती है। आपने क्या कहा, कमियां निकाल रहे थे, मैं उसे दूसरे ढंग से प्रस्तुत करता हूँ। भाई साधु संतों का कार्य सदैव से क्या रहा है, समाज में जो कमी दिखती हो उसे बताना और सकारात्मक रूप से उसके लिए कार्य करना। अगर मान लीजिए कोई कमी निकाल भी रहा था, कम ज्यादा शब्द भी रहा होगा, लेकिन साधु संत के व्यवहार अनुरूप सकारात्मकता की अगर धारा चल रही है उसमें वो सहयोग दे सकते हैं और वो आगे आए। मिश्रा जी का जवाब दीजिए। एक बात बताइए, आप नर्मदा सेवा यात्रा में स्वरूपानंद जी शामिल नहीं हुए क्या? देशानंद जी शामिल नहीं हुए क्या? अनेक संत शामिल हुए तो यही तो कह रहे हैं, पर्यावरण तो कह रहे हैं संत हुए तो यूं कहेंगे कि सिनेस्टार भी शामिल हुए जी। नहीं तो सवाल तो सवाल यही है जो लोग ये पांचों ही क्यों जी। नहीं अब देखिए, अब पांचों ही क्यों, आप और मैं ही क्यों इस डिबेट पैनल पे बैठे हैं? देखिए व्यापम ने कोई सिस्टम बनाया होगा या कोई कि इस कार्य के लिए वो, जैसे आशीष जी भी बता रहे हैं पहले भी उन्होंने अपनी बातें रखी है नर्मदा संवर्धन के विषय में, तो और लोगों ने भी रखी है। विकास जी आप बड़े अच्छी बात कह रहे हैं, विकास जी बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि ये पांच ही नहीं तमाम तरह के साधु करेंगे। साधु संत की जो परिभाषा है उसके उन्हें ठीक है, नर्मदा संरक्षण उनको करना है और धार्मिक से जुड़े हुए हैं, तो फिर पॉलिटिकल क्यों जोड़ा गया? पॉलिटिकल क्यों उनको जोड़ा गया? बुलाया सीएम हाउस बुलाया जाता, बैठक होती साधु संतों के साथ और कहा जाता है कि ठीक है आपको नर्मदा संरक्षण का काम करना है। आपने बहुत अच्छा विषय जी जी पॉलिटिकल, एक्चुअली हम क्या समझते हैं, ये एक हमारा शायद भ्रम हो सकता है जी, किसी को राज्य मंत्री का दर्जा व्यवस्था में एक प्रोटोकॉल के रूप में शामिल करने के लिए दिया जाता, हम उसे पॉलिटिकली नहीं कह सकते। पॉलिटिकली व्यक्ति तब होगा जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेगा, जब वो अपने काम के माध्यम से और बाद में आगे पीछे भी भारतीय जनता पार्टी मतलब सरकार को चलाने वाले संगठन, सरकार के संगठन के लिए वोट मांगने लगेगा। वो अगर तो ये करेंगे ना, ये जब जुड़े हुए हैं तो चुनाव में ये भी करेंगे, जिस तरह हम अपेक्षा नहीं रख रहे, हम अपेक्षा नहीं रख रहे, हमारी अपेक्षा हमारे साथ में। रमेश जी जिस तरह से विकास बात कर रहे हैं कि सिर्फ नर्मदा के संरक्षण और तमाम तरह की चीजें उससे जुड़े रहेंगे, लेकिन 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 मैं रमेश शर्मा साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये पांच जो लोग शामिल किए गए राज्य मंत्री के तौर में 2018 में चुनाव है, क्या दूसरी तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि ध्रुवीकरण जिस तरह से वोटों का है, हिंदू वोट बैंक, तो ये जितने भी मंत्री बनाए गए हैं ये बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, शिवराज का सपोर्ट करेंगे, ये तो तय है। मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, सरकार जो मैंने पहले कहा है कि संतों की तो सरकार समर्थन में रही है और संतों को लेकर के मुख्यमंत्री निवास पर भी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है, मंत्रालय में भी चर्चा हो चुकी है और भी कई स्थानों पर चर्चा हो चुकी है, ये विषय अलग है। लेकिन इन लोगों से जो साधा गया है वो केवल एक उद्देश्य से साधा गया है, इन लोगों को भाजपा का समर्थन करने की बात बिल्कुल नहीं कही, और इन लोगों ने भी भाजपा के समर्थन करने की बात जो मुझे जानकारी मिली है पत्रकार होने के नाते, इन लोगों ने भी भाजपा के समर्थन करने की बात नहीं कही है और न मुख्यमंत्री और सरकार ने इनसे भाग। लेकिन एक चीज जो सरकार ने साध ली है, ये पहले घोटाला उजागर करने की यात्रा निकालने वाले थे, सरकार ने इनको ये कहा है कि आप यात्रा तो निकालिए, आप जाइए क्षेत्रों में बजाय, लेकिन उसका लोगों को बताने के आप एक हमको कागज पर बना के दीजिए क्या गड़बड़ क्या हुई है ताकि हम उसको सुधारेंगे। तो काम तो ये वही वाला करेंगे जो पहले करने वाले थे,
अंतर केवल इतना है कि पहले बकायदा यात्रा निकाल करके पब्लिक को बताते, अब बकायदा एक दस्तावेज बना करके सीएम को देंगे। ये लेकिन ये सरकार इससे पहले भी संतों को राजमंत्री का दर्जा देती रही है। पिछले कार्यकाल में भी मोहनानंद जी को मिला हुआ था, इस कार्यकाल में भी महामंडलेश्वर अखिलेश आनंद जी को गौ संवर्धन बोर्ड का बनाया हुआ है। फिर इस बात की संभावना राजेश जी लिख लीजिए, आप संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ और संतों को हो सकता है कि सरकार बहुत शीघ्र जो मठ मंदिरों वाली कमेटी है उसको पुनर्जागृत कर दे। इस समिति में भी एक दो नाम है कि यूपी की अगर हम बात करें, जब अखिलेश सरकार थी तो कई मौलवियों को वहां पर राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। दूसरी तरफ अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो ममता बनर्जी ने लाल बत्ती दी थी, हालांकि उन्हें किसी तरह का कोई उससे जोड़ा नहीं गया था, लेकिन जो उनका स्टेटस था वो एक राज्यमंत्री का था। निश्चित रूप से तो कुल मिलाकर के ये जो है ये परंपराएं रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर पांच उन्होंने संतों को दे दिया है तो ये बात ठीक है कि वो सरकार की कूटनीति है और बहुत तरकीब के साथ उन्होंने इन संतों को साध लिया ताकि वो सरकार की बदनामी ना कर। इसके इतर विभिन्न अवसरों पर विभिन्न सरकारों द्वारा शिक्षाविदों को, वैज्ञानिकों को, एक मिनट एक मिनट, वैज्ञानिकों को, पत्रकारों को विभिन्न कमेटियों में शामिल किया गया है, राज्यमंत्री दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं होता विकास जी, बात टाइमिंग की हो रही है, टाइमिंग की। विधानसभा चुनाव को बोलना चाह रहा हूँ, शर्मा जी ने कहा ना पहले भी भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने मठ मंदिर समिति देखिए हुई है, पर एक ये अनुकंपा में हुई है, ये ये एक मतलब एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो अनुपकंपा नियुक्ति चलाई है, भी सरकारें चलाई है, उन पे गौर करिएगा, नॉर्मल नियुक्तियाँ थी या अनुकंपा नियुक्ति है जी। चलिए आशीष जी बताएंगे, टाइमिंग और हालात ये दो चीजें थी तब इन पांच बाबा वो मंत्री बनाए। तमाम तरह के उदाहरण जिसके हम यूपी की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग और हालात को देखते हुए जो बाजी मारी है शिवराज जी ने, आशीष जी के पास तो है क्योंकि चुनाव है, 6-7-8 महीने बाद चुनाव है, टाइमिंग है, नर्मदा को लेकर के काफी बवाल है इस समय। तो अगर ये जब नर्मदा सेवा यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले थे 1.5 साल पहले, उस समय दे दिया जाता तो ये इतना बवाल की स्थिति नहीं बनती और इतने शक और शुभा भी नहीं होते ये। लेकिन चूंकि उन्हें अभी पता है कि ये मुद्दा हो सकता है, दिग्विजय सिंह की यात्रा समाप्त हो रही है और बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ती चली जा रही है, तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि एक मुख्यमंत्री और एक पॉलिटिशियन होने के नाते उन्होंने उस दृष्टि से भी सोचा तो ये तो ठीक है। लेकिन अभी जो बातें आई बहुत सारी, तो जैसे मध्य प्रदेश में एक मेरी जो जानकारी है लगभग 120 से अधिक लोग राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, जो सरकारी उस तरह का एक जानकारी है, उस तरह की लोग दर्जा प्राप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग निगम मंडलों का दर्जा में मंत्री दर्जा पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी आखिरी समय में सब कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त में ये जो औचक अपॉइंटमेंट है एक तरह के, उसको लेकर के जो चीजें खड़ी हुई है वो स्वाभाविक है और ये बहुत दूर तक मतलब इन चीजों को पीछा होगा, ये चीजें आगे भी डिबेट में आएंगी, वो सामाजिक स्तर पर भी इससे बात होगी। और ये मुद्दा जो है ये अब राजनीतिक तो हो ही गया है, भाई संत भले ही राजनीति में नहीं गए हैं लेकिन राजनीति के जिस रास्ते से वो ये सारी चीजें हुई हैं तो उसमें थोड़ा सा राजनीति। आखिरी सवाल कि जिस तरह से घोटाला, रथ यात्रा, दिग्विजय सिंह की नर्मदा समापन यात्रा, दलित आंदोलन, इन सब के बीच जिस तरह का स्टैंड शिवराज जी ने लिया है, तो कह सकते हैं कि उन्होंने इसमें एक बाजी मार ली इस बीच में? बिल्कुल, अभी फिलहाल तो उन्होंने उनका अपर हैंड है, उन्होंने इन चीजों को मतलब अपने ध्रुव विरोधियों को साथ लेना जो उनके खिलाफ घोटाला यात्रा करने पे निकल रहे हैं और वो अभी उनके साथ संयत हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। जहां तक वो एक सरकार की दुखती नस है कि 6.5 करोड़ वृक्ष जो पौधे रोपे गए हैं नर्मदा किनारे जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो वो साधु संत पता करेंगे, साधु संत तो पहले कह चुके हैं कि वहां नहीं है पौधे, और सरकार को इससे बेहतर जानकारी तो सरकार के पास होती है कि क्या चीजें हकीकत है और क्या नहीं है। चलिए, जिस तरह से पांच साधु संतों को राज्य मंत्री का दर्जा शिवराज सरकार ने दिया है, सियासत है, तमाम तरह की बातें हैं, सरकार की तरफ से अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं अगर सियासत देखी जाए तो 2018 का जो चुनाव है और इन सब के बीच में जो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, उसमें
शिवराज सरकार ने जरूर बाजी मारी है, जिस तरह से चर्चा में देखा समझा। आज हमारी से चर्चा में रमेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका। आशीष दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार, आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया। विकास बोंदरिया साहब बीजेपी नेता, विकास जी आपको बहुत शुक्रिया। और मनोज मिश्रा साहब कांग्रेस नेता, मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस तरह से 2018 में विधानसभा के चुनाव हैं और इससे पहले तमाम तरह के जो समीकरण सरकार देख रही थी शिवराज सरकार की, ये मुसीबत बन सकती है, कहीं ना कहीं उसको डैमेज करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शिवराज सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। अब देखना होगा कि किस तरह के इस एक्शन के रिएक्शन आगामी समय में देखने को मिलते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। न्यूज़ बोर्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।